हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम हार्वेस्ट कर रहे हैं पालक अपने ही टेरेस गार्डन में। जब हम सब्जियां उगाने लगते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग मिलने लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज का वीडियो मेरा वेजिटेबल प्लांट्स पे है। वेजिटेबल्स के जब हम सीड लगाते हैं उसके बाद उनके नन्हे नन्हे पौधे जब रेडी हो जाते हैं तो उन नन्हे पौधों को किस तरह से सेफली हम बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं, आज मैं इस वीडियो में वो दिखाऊंगी। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। ये वीडियो जो नए गार्डनर है, जो नया नया गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अपने छत पर सब्जियाँ उगाना चाहते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो सब्जियाँ उगाने के शौकीन हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने पॉट्स रेडी कर लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे ग्रो बैग्स या पॉट्स ख़रीदें, आपके पास घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पॉट में मिट्टी भर दी है और उनको पानी दे दिया है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। जब हम इनमें नन्हे पौधे लगाएंगे तो उनकी रूट्स जो है ज़्यादा डैमेज ना हो, आसानी से इस पर सेट हो जाए। मिट्टी कैसे बनानी है मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बता रही हूँ कि आप जब सब्जियाँ लगा रहे हो तो उसमें 50-60% तक गार्डन सॉयल में अच्छा 30-40% तक कोई भी कंपोस्ट ऐड करिए और 10-20% तक आप उसमें सैंड या कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स करके अच्छी पोरस मिट्टी बना के आप पॉट में जो है नीचे थोड़ा सा कुछ ठिकरियाँ या सूखी पत्तियाँ डाल दें, उसके बाद मिट्टी भर दें और उसमें पानी दे दें ताकि मिट्टी जो है सेट हो जाए, उसमें जो भी एयर पॉकेट्स हैं, एयर बबल्स बनते हैं वो निकल जाए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने कप से आराम से इस तरह से ये जो पौधे हैं उन्हें निकाल लिया है। अब इनको हम आराम आराम से इस तरह से सेपरेट करेंगे। ये जो है गोभी के सैपलिंग्स हैं, ये मैंने बंद गोभी और फूल गोभी दोनों के ही डाल दिए थे, तो मुझे याद नहीं और ऐसे पता भी नहीं चलता कि ये कौन से हैं। तो आप कोई भी सब्जियों के सीड जो लगा रहे हैं, मिर्च के हो गए, टमाटर के हो गए, गोभी के हो गए, वो इसी तरीके से सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। देखिए, मैंने एक पॉट में इस एक जो मेरी 10 से 12 इंच की बकेट है उसमें एक गोभी का प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि अभी ये प्लांट छोटा है तो इसकी साइज़ पे मत जाइए। जब ये ग्रो करेगा तो आप गोभी का साइज़ देखिए इतना बड़ा हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग हमें पॉट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक पॉट में एक लगा रही हूँ। जो पॉट मेरा बड़ा होगा वहाँ पे मैं दो दो भी लगा लूँगी, लेकिन इस तरह के 10-20 इंच की जो बकेट है उनमें मैं एक ही कैबेज का प्लांट लगाऊंगी। अब ये कैबेज है या कॉलीफ्लावर है ये श्योरिटी नहीं है मुझे, बट दोनों के लिए सेम ही पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। बीचों बीच होल करके मैंने इस तरह से आराम से रूट समेत, रूट बॉल जो छोटा सा बना था उस समेत इसको आराम से रख दिया है और आराम से इसको आसपास दबा दिया है। ध्यान रखना है कि इसकी जो स्टेम है वो डैमेज ना हो, अगर वो डैमेज हो जाएगी तो वो प्लांट जो है फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से मैं लगा लूँगी और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी दे देना है। मिट्टी हमारी ऑलरेडी गीली है पूरी, लेकिन थोड़ा सा पानी हमें ये प्लांट के पास ज़रूर देना है ताकि जो मिट्टी और प्लांट है वो एक दूसरे के साथ सेट हो जाए और वहाँ पे अगर कोई एयर बबल बन रहा है तो उसे वो निकल जाए। अब मैं यहाँ पे टमाटर के प्लांट शिफ्ट करूँगी बड़ी वाली बकेट में। तो देखिए, ये है टमाटर के प्लांट, इनको भी मैं आराम से निकाल लूँगी और काफ़ी हेल्दी हमारे जो प्लांट हैं वो रेडी हो गए। अगर मैं इनको बड़े पैकेट्स में लगाती सीड्स को तो ये थोड़े और भी बड़े हो जाते, तब हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सुविधा अनुसार छोटे छोटे कप में लगाना पसंद करती हूँ। इनमें मुझे इनकी केयर करना भी ईजी पड़ जाता है, इनको यहाँ वहाँ शिफ्ट करना ईजी पड़ जाता है। हाँ, सडनली बारिश हो रही है, सडनली धूप आ रही है, तो छोटे छोटे कप को इधर उधर रखना मुझे काफ़ी इजी लगता है। तो सीड हम थोड़े कम डालें क्योंकि मैंने थोड़े से घने घने सीड डाल दिए हैं, तो प्लांट जो है बहुत सारे एक साथ हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। तो इन छोटे छोटे प्लांट्स को बिना डैमेज किए हमें पॉट में शिफ्ट करना है, तो सेम इसी प्रोसेस से मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर लूँगी। अब क्योंकि ये बकेट बड़ी है तो मैं यहाँ पे 4-4 टमाटर के प्लांट लगा लूँगी। अब इनमें से ज़रूरी नहीं है कि हर सैपलिंग हमारी रेडी हो जाए और वो अच्छे से ग्रो करे, थोड़ी ग्रो होने के बाद अगर मेरी कोई सैपलिंग उतनी हेल्दी नहीं लगी तो उन्हें मैं निकाल दूँगी। लेकिन अभी मैं इनको बराबर गैप में करके 4 प्लांट मैं इस एक बकेट में लगा रही हूँ।
क्योंकि हम छत पे पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो इतनी जगह भी नहीं होती है कि हम इतने ढेर सारे पॉट्स को केयर कर पाए और रख पाए, इसलिए एक बकेट में मैं 4 प्लांट लगा रही हूँ। अगर आपने कम सीड लगाए हैं तो 2-2 प्लांट भी लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे, लेकिन मैंने ज़्यादा प्लांट लगाए हैं ताकि अच्छी खासी हार्वेस्टिंग मुझे मिल पाए, ताकि मेरे जो घर की नीड है वो पूरी हो जाए। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर वेजिटेबल ग्रो करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप प्लांट ऐसे लगाएं कि आपके घर की नीड पूरी हो जाए, एक प्लांट से काम नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने वो छोटे छोटे पौधे शिफ्ट कर दिए हैं और अभी मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ अपने 2-4 दिन पहले जो मैंने ट्रांसप्लांट किए थे पौधे उनका। तो ये अब हमारे बड़े बड़े ग्रो बैग में सेट हो चुके हैं, धीरे धीरे ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेंगे और बहुत ही जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।